आज हमारे अंदर एक इच्छा होनी चाहिए, मरने की इच्छा ताकि भारत जी सके, एक शहीद की मौत मरने की इच्छा ताकि स्वतंत्रता का मार्ग शहीदों के खून से प्रशस्त हो सके। यह महान क्रांतिकारी विचार थे पूरे विश्व में नेताजी के नाम से जाने जाने वाले। आईएसएस की परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त करने के बाद भी ब्रिटिशर्स की गुलामी को स्वीकार न करने वाले, भारत की आजादी के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले एवं लोगों में स्वतंत्रता एवं आजादी की भावना को जागृत करके इंडियन नेशनल आर्मी में उन्हें जोड़ने वाले और अपनी हर एक सांस देश के नाम करने वाले महान क्रांतिकारी नेता नेताजी सुभाष चंद्र बोस के। नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज कौशल आप सभी का स्वागत करता हूं डेडिकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में आप जानेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों, आज है 23 जनवरी और आज ही के दिन 23 जनवरी 1897 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा के कटक में हुआ था। इनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस एवं माता का नाम प्रभावती बोस था। यह 13 भाई बहन थे एवं यह अपने माता पिता की 9वीं संतान थे। बचपन से ही इनके मन में क्रांतिकारी विचार पनपने शुरू हो गए थे। यह बचपन से इस बारे में सोचते रहते थे कि आखिर इनके जीवन का उद्देश्य है क्या। मध्यम वर्गीय परिवार में यह जन्मे तो थे, लेकिन अक्सर ये गरीबों की समस्याओं से चिंतित रहते थे और इतनी छोटी सी उम्र में सभी लोगों के बारे में सोचने, उनकी समस्याओं के बारे में सोचने की वजह से इनके परिवार वाले भी चिंतित रहते थे। इन्होंने बचपन में ही स्वामी विवेकानंद जी की जीवनी को पढ़ा और उनके विचारों को समझा और इससे इनका जीवन की दशा एवं दिशा बदल गई। स्वामी रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से यह काफ़ी प्रभावित भी थे। 1902 में पहली बार वह स्कूल गए और उन्होंने प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल में दाखिला लिया। इसके पश्चात 1909 में अपने आगे की शिक्षा उन्होंने रेंथे स्कूल से प्राप्त की। 1913 में मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद प्रेडेंसी कॉलेज कोलकाता में उन्होंने प्रवेश लिया और यहाँ पर पूरे विश्वविद्यालय में उन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता के स्कॉटिश चर्च कॉलेज से उन्होंने बीए की डिग्री प्राप्त की। अपने कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही इनके मन में आज़ादी के सपने पनपने लगे थे और इनका मन पढ़ाई में नहीं लगता था, बल्कि अक्सर यह यही सोचते रहते थे कि आखिर कैसे भारत को आज़ाद कराया जाए। इसी कॉलेज में एक अध्यापक भारतीय छात्रों के साथ दुर्व्यवहार करते थे। इसका नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जमकर विरोध किया और उसकी सजा उन्हें भुगतनी पड़ी। कॉलेज प्रशासन द्वारा उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। इस बात से काफी निराश हुए और इनके परिवार वाले भी काफी चिंतित रहने लगे कि आखिर सुभाष चंद्र बोस जीवन में किस दिशा में जा रहे हैं। यह भी अपने करियर को लेकर काफी चिंतित रहने लगे। यह अपने बड़े भाई सरल चंद बोस के काफी करीब थे और उन्हीं की सलाह पर यह 15 सितंबर 1919 को इंग्लैंड चले गए। यहाँ पर इन्होंने कैम्ब्रिज में एडमिशन लिया और चंद महीनों की तैयारी में न केवल इन्होंने आईएसएस की परीक्षा उत्तीर्ण की, बल्कि शीर्ष 4 में इन्होंने स्थान भी प्राप्त किया। इसके पश्चात ये चाहते तो बड़े ऐसो आराम से जिंदगी जी सकते थे आईएसएस ऑफिसर के तौर पर, लेकिन इन्होंने भारत की आज़ादी का रास्ता चुना और अपने एक पत्र में अपने भाई को उन्होंने लिखा भी था कि मैं अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार नहीं कर सकता। ऐसे थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने स्वदेश प्रेम में घर परिवार और अपना सब कुछ त्याग दिया। अब बात करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक जीवन के बारे में। इसके लिए हमें आज़ादी के इतिहास को समझना होगा। बात करें प्रथम विश्व युद्ध की, तो जो भारतीय सैनिक है वह ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़े थे। इसमें बहुत से भारतीय सैनिक शहीद भी होते थे, जैसे कि हम जानते हैं प्रथम विक्टर कौर से सम्मानित दरबान सिंह नेगी एवं गब्बर सिंह नेगी आदि के बारे में। लेकिन इसके बाद भी ब्रिटिशर्स का भारत के प्रति व्यवहार अच्छा नहीं था और उन्होंने भारत को गुलाम बनाकर रखा। इसके पश्चात जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है और गांधी जी पूरे देश में असहयोग आंदोलन प्रारंभ करते हैं और 1922 में चोरी चोरा कांड की वजह से गांधी जी अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं और इसी घटनाक्रम की वजह से भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों का जन्म होता है। और 1922 में ही सुभाष चंद्र बोस चित्तरंजन दास जी के प्रभाव में आकर कांग्रेस से जुड़े। प्रारंभ में इन्होंने पश्चिम बंगाल में अपना कार्य शुरू किया, लेकिन इनकी लीडरशिप क्वालिटी और मास लीडरशिप की वजह से इन्हें 1923 में ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल स्टेट कांग्रेस के यह सचिव भी रहे। इन्होंने लोगों में आज़ादी की भावना को जागृत करने के लिए स्वराज नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया और साथ ही साथ चित्तरंजन दास जी द्वारा प्रकाशित फॉरवर्ड पत्रिका में यह संपादक के तौर पर भी जुड़े। अपने स्वदेश प्रेम की वजह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पूरे जीवन काल में 11 बार जेल में डाला गया। ब्रिटिशर्स इनसे कांपते थे। और बात करें 1924 की, तो जब इन्हें जेल में डाला गया तो ये ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी से पीड़ित हो गए। 1927 में जेल से छूटने के बाद इन्हें कांग्रेस का सचिव चुना गया और उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर आज़ादी की लड़ाई को जारी रखा। 1928 में कोलकाता में उन्होंने कांग्रेस की एक वार्षिक बैठक बुलाई। वह एक प्रखर वक्ता थे, जब भी वह बोलते थे तो सामने वाले किसी बात के लिए ना नहीं बोल सकते थे, उनके शब्दों में यह जादू था।
बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध की। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो। लिनलिथगो ने यह निर्णय लिया कि भारत और भारतीय सैनिक ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ेंगे, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस बात का सर्वाधिक विरोध किया। उनका मानना था कि यह सर्वाधिक उचित समय है ब्रिटिशर्स को भारत से खदेड़ने का, लेकिन उन्हें जेल में डाल दिया गया और 7 दिन की भूख हड़ताल के पश्चात नेताजी सुभाष चंद्र बोस को छोड़ दिया गया। इस बात में गांधी जी ने उनका समर्थन नहीं किया, क्योंकि गांधी जी हिंसा के कभी समर्थक रहे ही नहीं। उन दोनों के बीच यहाँ पर वैचारिक मतभेद शुरू हुआ। गांधी जी जहाँ अहिंसा के रास्ते पर चलकर आज़ादी हासिल करना चाहते थे, वहीं सुभाष चंद्र बोस साम दाम दंड भेद आदि की नीति के माध्यम से आज़ादी हासिल करना चाहते थे। ऐसा नहीं था कि उन दोनों के बीच कोई व्यक्तिगत दुश्मनी हो, लेकिन उनके बीच वैचारिक मतभेद था। सुभाष चंद्र बोस की लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी, लेकिन वे गांधी जी का हमेशा से सम्मान करते थे, क्योंकि वे मानते थे कि एक साधारण सी धोती पहनकर गांधी जी देश के लोगों को स्वतंत्रता एवं आज़ादी के लिए जागृत कर रहे हैं। 6 जुलाई 1944 को उन्होंने आज़ाद हिंद रेडियो से गांधी जी को सिंगापुर में फादर ऑफ नेशन यानी बापू कहकर संबोधित किया। 1949 में उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा और गांधी जी के प्रत्याशी पट्टाभी सीतारमैया को 201 वोटों से चुनाव हराया। भले आगे चलकर किसी नाराजगी की वजह से उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इसके पश्चात उन्होंने स्वयं की राजनीतिक पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक 22 जून 1949 को बनाई। आज़ादी के आंदोलन में सक्रियता की वजह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जेल में डाल दिया गया और 17 जनवरी 1941 को उन्हें रिहा कर दिया गया। यहां पर उन्होंने पठान का वेश धारण कर अफगानिस्तान से रशिया और रशिया से जर्मनी चले गए। वे दुनिया में घूम घूम कर भारत की आज़ादी के लिए देशों से समर्थन मांग रहे थे, क्योंकि वे मानते थे दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। सर्वप्रथम वो रशिया गए और वहां पर स्टालिन से समर्थन लिया, लेकिन स्टालिन ने समर्थन देने से इनकार कर दिया, लेकिन उसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जर्मनी भेज दिया। यहां पर जर्मनी में मई 1942 में वह हिटलर से मिले और हिटलर ने उन्हें समर्थन भी दिया। यहाँ पर वह उन भारतीय सैनिकों से मिले जो कि ब्रिटिशर्स की तरफ से प्रथम विश्व युद्ध में लड़े थे और जर्मनी में प्रिजन ऑफ वार थे, यानी वहाँ पर कैदी थे। बहुत बड़ी सेना तैयार की, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की हार की वजह से उन्हें जापान जाना पड़ा। जापान में उन्होंने INA यानी इंडियन नेशनल आर्मी को बहुत ज़्यादा मजबूत किया। वहाँ पर उन्होंने बहुत से क्रांतिकारी नारे भी दिए, जैसे जय हिंद का नारा जो कि आज विश्वव्यापी है, जो कि आज विश्व में काफ़ी अधिक प्रसिद्ध भी है। और यहाँ पर उन्होंने लोगों में जोश की भावना भरने के लिए यह नारा भी दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस नारे ने लोगों में देशभक्ति की भावना को प्रेरित भी किया था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में जापान पर हिरोशिमा और नागासाकी में बम विस्फोट होने के बाद और द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद जापान नेताजी की मदद करने में असमर्थ था। इस वजह से नेताजी को INA यानी इंडियन नेशनल आर्मी को बंद करना पड़ा। 18 अगस्त 1945 को नेताजी जापान से ताइवान की तरफ जा रहे थे और ऐसा कहा जाता है कि प्लेन क्रैश की वजह से नेताजी की मृत्यु हो गई थी, लेकिन उनकी मौत एक बहुत बड़ा रहस्य है, क्योंकि 1955 में गठित शहनवाज कमीशन और 1977 में गठित खोसला कमीशन इस बात की पुष्टि करता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 3rd degree बर्न से हुई थी, यानी अत्यधिक मात्रा में जल गए थे। लेकिन 1999 में आई मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट काफ़ी हैरान करती है। 2005 में आई इस रिपोर्ट में कहा गया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु प्लेन क्रैश से हुई ही नहीं थी, क्योंकि इससे पूर्व में जो बने कमीशन थे वे कभी ताइवान गए ही नहीं थे और कभी उनसे पूछा ही नहीं था कि क्या 18 अगस्त को कोई प्लेन क्रैश हुआ। लेकिन मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट में यह बात कही गई कि ताइवान ने साफ साफ इनकार किया कि 18 अगस्त को उनके देश में कोई भी प्लेन क्रैश नहीं हुआ था। तो इस प्रकार से नेताजी की मौत एक बहुत बड़ा रहस्य है, लेकिन उनकी मौत के पश्चात भारतीयों में एक क्रांति की भावना जागी और लोगों ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिवोल्ट भी किया और इंडियन नेवी ने जगह जगह विद्रोह किया और जगह जगह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीरें भी लगाई। इस प्रकार से आज़ादी के आंदोलन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बहुत बड़ी भूमिका थी और भारत देश 15 अगस्त 1947 को आज़ादी हुआ और उसकी आज़ादी में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी वह थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। इसलिए कहा भी जाता है कि खून जितना था सब बहाया वतन के वास्ते, एक कतरा भी ना बचा अपने तन के वास्ते, यूं तो सैकड़ों मरते होंगे दुनिया में, मगर मौत वो है जो आए वतन के वास्ते, जीवन वो है जो जिया जाए वतन के वास्ते। जय हिंद, जय भारत।